हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पटना निसावा जीटी क्लासेस के इस मंच पे। आइए फिर एक नोटिफिकेशन आप सभी के सामने मैं लेके आ गया हूँ, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जेई से संबंधित नोटिफिकेशन है। आइए इसे हम देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये मेरे पास हिंदी वर्जन है और हिंदी वर्जन को हम समझने का प्रयास करेंगे। ये लिखा हुआ भारत सरकार रेल मंत्रालय रेल भर्ती बोर्ड और विस्तृत केंद्रीकृत रोजगार सूचना है, CEN नंबर 3/2024 उससे संबंधित है, जेई से। ये देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है, जूनियर इंजीनियर डिपो सामग्री अधीक्षक रासायनिक एवं धातु कर्म सहायक रासायनिक पर्यवेक्षक और धातु कर्म पर्यवेक्षक या अनुसंधान, ठीक है, विभिन्न पदों की भर्ती हेतु यह आवेदन पत्र निकाला गया। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड और केंद्रीयगत रोजगार सूचना संख्या 3/2024 और जो डिटेल है जो जेई के पद निकले हैं उससे ये पदों के नाम वगैरह दिए गए हैं। अब इसमें डेट वगैरह की चर्चा है, उसको हम देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें आवेदन प्रारंभ होने की तिथि दी गई है 30/7/2024 से आपका आवेदन चालू हो जाएगा। आपको आवेदन करना है, फिल करना है, फॉर्म फिल करना है और जो भुगतान है पेमेंट वगैरह अंतिम रूप से जमा करने की लास्ट डेट 29/8/2024 तक इनको द्वारा रखी गई है। अब बोल रहे हैं कि अगर आपको किसी चीज़ का सुधार करना है या संशोधन करना है, आपने कोई डिटेल ऐसा डाल दिया है कि कुछ समस्याएं आ रही हैं, आपने गलती से या साइबर कैफे वाले ने गलती से डाल दी, तो उसको सुधारने की भी कुछ यहाँ पे टाइम लिमिट दी गई है कि 30/8/2024 से 8/9/2024 तक आप उसको सुधार कार्य कर सकते हैं, ठीक है। और आपको ऑनलाइन ही माध्यम से फॉर्म को फिल करना है ये बताया गया है और ये डिटेल दी गई है कि जो दो पद निकाले गए हैं रासायनिक पर्यवेक्षक अनुसंधान और धातुकर्म पर्यवेक्षक अनुसंधान, ये लेवल 7 की जॉब है जिसका बेसिक 44,900 होता है और आयु सीमा की अगर बात करें तो 18 से 36 वर्ष है। पहले ये कम होती थी पर कोरोना के वजह से थोड़ा सा ये दिया गया है, आपको रियायत दी गई है और रिक्तियाँ हैं, टोटल 17 सीट हैं और केवल RRB गोरखपुर वालों के लिए। ध्यान दीजिए, अगर कोई UP का बंदा है और उसको JEE का सुपरवाइजर का फॉर्म भरना इस ब्रांच से, मतलब ये इस पद के लिए भरना है, जो पहला नंबर हमारे पास पॉइंट है कि आपको CAMAE फिल करना है फॉर्म, तो आप RRB गोरखपुर का चयन करेंगे, उसमें टोटल 17 सीट है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपको जहां पे सुविधा लगे वहां का फॉर्म फिल कीजिए। और ये देखिए जूनियर इंजीनियर JEE और डिपो सामग्री अधीक्षक जो DMS कहलाता है और CMAO केमिकल मेट्रोलॉजिकल वाला है, तो उसके लिए लेवल 6 की ये जॉब है, 35,400 इसका बेसिक है और एज लिमिट 18 से 36 है और टोटल सीट है इसकी 7,934 और ये 17 और मिला के 7,951 टोटल सीट इनके द्वारा JEE की निकाली गई है। और इससे विस्तृत जानकारी जो है जो आपका एनेक्सर बी में है उसमें दिया गया है और आयु सीमा में भी छूट दी गई है, 3 वर्ष की अधिक छूट दी गई है क्योंकि COVID-19 था, आप लोगों को पता है, ठीक है। अब महत्वपूर्ण निर्देश के बारे में हम देखते हैं, तो महत्वपूर्ण निर्देश में हम ये पॉइंट देखते हैं, दूसरा नंबर पॉइंट देख लेते हैं कि निर्धारित शैक्षणिक तकनीकी योग्यता के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं। अब ध्यान दीजिए, कोई व्यक्ति विशेष है या डिग्री या मतलब डिप्लोमा कर रहा है, पॉलिटेक्निक वगैरह कर रहा है, इलेक्ट्रिकल से या कोई भी ब्रांच से, मैकेनिकल वगैरह से कर रहा है और वो अपेयरिंग में है, लास्ट ईयर चल रहा है या उसने एग्जाम दे दिया है और उसके पास अभी तक रिजल्ट नहीं है, परिणाम उसका घोषित नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे वो बंदे? तो वो बंदे अपात्र घोषित हो जाएंगे, उनको भरना नहीं है फॉर्म। थोड़ा सा समझिए, इसमें जो डेट दी गई, लास्ट डेट दी गई, उससे पहले अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप बिल्कुल फिल कर सकते हैं फॉर्म, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और इसमें दिया गया, एक बार आवेदन करने के बाद RRB का चयन अंतिम होगा, जैसे पिछली बार क्या कर दिया था, सीट थोड़ी बढ़ाई गई थी तो RRB आप अपने अनुसार फिर से बाद में चेंज करने का मौका दे रहा था कि किसी व्यक्ति ने गलत RRB का चयन कर लिया है कि हमें घर से दूर नहीं जाना, घर के पास जाना है, तो वो RRB का चयन मतलब पिछली बार दे दिया गया था मौका, इस बार ऐसा मौका नहीं है, एक बार जो भर दिया सो भर दिया, आपको वहीं पर अगर आप क्वालिफाई करते तो वहीं पर आपको पोस्टिंग मिलेगी। ये पॉइंट इससे संबंधित है, आप देख लीजिएगा। और ये लिखा हुआ है कि आप अगर आप किसी भी पद के लिए, जैसे JEE है और आपके पास मान के चलते मैकेनिकल का आपके पास डिप्लोमा वगैरह है, आप सोच रहे हैं कि RRB इतनी सारी हमें कहीं भी RRB कोई भी RRB में एग्ज़ाम देने मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा, आपको एक ही RRB का चयन करना पड़ेगा, ये दिया गया, परीक्षा समूह का चयन कर सकते हैं, किसी भी एक परीक्षा समूह का चयन कर सकते हैं, इसका अर्थ है कि आप एक ही RRB को चयन करेंगे, आप कोई भी ब्रांच के होंगे, ये नहीं कि आपने एक से अधिक ब्रांच को वो कर दिया हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसको थोड़ा सा आपको समझना है। और बाकी के तो पॉइंट ऐसे ही हैं, ये आप लोग समझ जाएंगे। ये आवेदन की अंतिम तिथि बताया गया है, जो आप आयु सीमा में छूट वगैरह चाहते हैं उससे संबंधित है,
और मेडिकल फिटनेस वगैरह की जानकारी। नौवां नंबर पॉइंट आपका दिया गया है। दसवां नंबर पॉइंट देखते हैं आयु, आपकी आयु देखिए 1/1/2025 को 18 से 36 वर्ष है। और छूट के बारे में आपका पैरा नंबर 5.1 और 5.2 देखने के लिए बोला गया है कि यदि किसी को शंका हो रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या कर सकते हैं पैरा नंबर 5.1 और 5.2 पे रेफर कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये तो ये आपका ये 11 नंबर पॉइंट है, ये वेतन मान दिया गया है, पेमेंट संबंधित है, जो आपका बेसिक वगैरह 35,400 लेवल 6 का है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, बहुत से रेल कर्मचारी भी हैं, बहुत से एस्पिरेंट भी हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको पता है कि ये पे लेवल वगैरह क्या होता है। और ये लेवल 7 की है जो आपका दिया गया है, दो पोस्ट अलग अलग निकाली गई है। और परीक्षा का बता रहा है, परीक्षा के चरण कैसे होंगे, कंप्यूटर बेस्ड होंगे, कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा आपका, फिर उसके बाद DB होगा, मेडिकल होगा। तो यह चीज़ 3 चरणों में आपको होनी है, जो आप एग्ज़ाम देंगे वो 3 चरणों में होगा, तो उससे संबंधित बताया गया है। और 13 नंबर आपका पॉइंट बताया गया है कि आपको 15 गुना लिया जाएगा अगर आप क्वालिफाई करते, तो 15 गुना ज़्यादा स्टूडेंट को लिया जाएगा, एस्पिरेंट को लिया जाएगा। और अंक इस नोटिस के पैरा संख्या, ये तो ऐसे ही 14 नंबर पॉइंट है, आप देख लीजिएगा। और आपको ये बताया गया 16 नंबर पॉइंट में कि ऋणात्मक अंकन भी किया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी, अगर आप कोई गलत प्रश्न का उत्तर देते हैं तो 3 में से 1 नंबर कट जाएंगे, ये बताया गया। और अकाउंट बनाने के लिए बताया गया, अकाउंट बनाए गए फॉर्म में भरे गए विवरण, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सहित अकाउंट बनने के बाद किसी भी चरण में संशोधित नहीं किया जाएगा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जो आप भी अकाउंट बनाएंगे उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बात को कि अकाउंट आप अपना ईमेल आईडी एड्रेस मोबाइल नंबर वगैरह अच्छे से और सही भरें, कोई भी ऐसी जानकारी ना डालें कि बाद में आपको समस्या उत्पन्न हो जाए और आप परेशान हो जाएं, तो उससे संबंधित ये दिया गया है, आप देख लेंगे। और प्रतिबंधित वस्तुएं तो आप लोगों को पता है कि बेल्ट, मोबाइल, कैलकुलेटर, ये सब चूड़ियां, इयररिंग और कान के और गले के, ये सब फीमेल कैंडिडेट वगैरह के लिए है। और मेल कैंडिडेट के लिए भी है, जो बेल्ट वगैरह है, जूते वगैरह हैं, आजकल तो जूते भी उतरवा दे रहे हैं, उससे संबंधित ये बताया गया है कि वो सब लेके नहीं जाना है। सामान्य निर्देश दिए गए हैं 1.0 में, हम उसे भी देखेंगे। ई कॉल लेटर वगैरह से संबंधित जानकारी है, ये देखिए निर्धारित योग्यता के अंतिम परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे लोग पात्र नहीं है, अतः उन्हें आवेदन नहीं करना है। तो ये 1.5 बताया गया है कि जो अपेयरिंग में है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते, अगर इसके क्लोजिंग डेट के पहले आपके पास मार्कशीट है तो आप फिल कर सकते हैं, तो वो बताया गया है। एक से अधिक आवेदन नहीं जमा करेंगे, तो ये उसी से संबंधित बताया गया, एक से अधिक आवेदन आपको नहीं करना, नहीं तो सरसरी तौर पे खारिज कर दिया जाएगा, कुल मिला के आपका फॉर्म खारिज कर दिया जाएगा, वो बताया गया है। उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि और मैट्रिकुलेशन, हाई स्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र, समकक्ष प्रमाण पत्र में दर्ज है वैसा ही दर्ज करनी होगी, मतलब जो भी आपका डिटेल है सेम टू सेम हुबहू मैट्रिकुलेशन आपका 10th 12th और जो डिप्लोमा वगैरह में, उसी प्रकार से भरिएगा, कुछ अपने हिसाब से मत डाल दीजिएगा, जो जैसा दिया गया वैसे ही आपको भरना है। और ये बताया गया पद या रेलवे में इकाइयों के लिए प्राथमिकता वगैरह, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और हम देख लेते हैं इसमें से नियुक्ति का अधिकार वगैरह है, नियुक्ति किस प्रकार से होगी, निःशुल्क ट्रेन सुविधा जो मिलती है, आप लोगों को पता होगा 2018 में भी जो वैकेंसी आई था तो उसमें STSC और अनुसूचित जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को अनुरोध पर स्वीकार निःशुल्क स्लीपर आपको दिलता है, परंतु आपको क्या करना है, स्टेशन का और आपके जो डॉक्यूमेंट है वो सही से देना है और उसी अनुसार आपको टिकट वगैरह जारी हो जाती है, तो आप निःशुल्क जो वो है लाभ, यात्रा का लाभ उठा सकते हैं, उससे संबंधित ये पॉइंट दिया गया है। RBCN के तहत आवश्यकता अनुसार किसी भी स्तर पर लागू भर्ती को किसी भी नियम और शर्तों के तहत बदलने का, जोड़ने हटाने का अधिकार संरक्षित है, ये तो ऐसे ही दिया गया, सुरक्षित वगैरह है, ये वो चाहे तो अपने चेंजेस कर सकते हैं। यदि किसी को मतलब किसी भी एस्पिरेंट को कोई समस्या आ रही है फॉर्म में, तो आप ये हेल्प डेस्क नंबर वगैरह दिए गए हैं उम्मीदवारों के लिए, इस पर आप फ़ोन करके कॉल करके आप अपना पूछ सकते हैं। और देखिए रिक्तियाँ वगैरह का चर्चा इसमें दिया गया है और अनेक्शन वगैरह दिया गया कि CN अधिसूचित पदों के पोस्ट पैरामीटर क्या क्या, योग्यता और चिकित्सा मानक वगैरह, PWD किस किस प्रकार के PWD भी होते हैं, तो उससे जो आपका अनेक्सर ए है उसमें जानकारी वगैरह दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। आइए और ये चिकित्सा वगैरह के बताया गया है उससे संबंधित है। अब देखिए रेलवे में चिकित्सा जो होती है हर पोस्ट के लिए अलग अलग होती है, जैसे लोको पायलट वगैरह के लिए आप लोग को पता है A1 क्लास ज़्यादा चलता है,
ठीक है, उस प्रकार से है। और ये देखिए A3 वगैरह दिया गया है और B1 दिया गया है, जो चिकित्सक है आप लोग देख लीजिएगा किस पोस्ट के लिए भर रहे हैं। तो आप लोग के पास मेडिकल ये होना चाहिए, B1, B2, C1, C2, और जैसे रेलवे वगैरह में A1 भी चलता है लोको पायलट वगैरह के लिए, आप लोग को पता होगा, उसी से संबंधित है। और ये आपका एज लिमिट वगैरह का बात किया गया कि इसके लिए पहले इतने 1833 वर्ष था, उसको बढ़ा के 1836 वर्ष कर दिया गया है। और ये आपका ये CMA के पोस्ट के लिए था, उसको भी 36 वर्ष कर दिया गया है मैक्सिमम एज, ठीक है। और ये एज का कैलकुलेशन वगैरह है जनरल वालों के लिए, OBC ST SC के लिए है, आप अपने अनुसार देख लेंगे, ठीक है। और देख लेते हैं शैक्षणिक योग्यता वगैरह, आप लोग को पता है ये डेट दी गई है, आवेदन नहीं कर सकते, आप लोग को पता है कि लास्ट डेट से आपके पास तो मतलब परिणाम होना चाहिए, कुल मिला के मार्कशीट होना चाहिए, तभी आप फिल कर पाएंगे। और ये फीस की चर्चा है कि जो जनरल वगैरह है उनको 500 लगेगी, ST SC वालों को 250 लगेगी, और जिसमें से 400 रुपये तो उनका वापस हो जाता है। तो बैंक डिटेल आप ये नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत से कैफ़े वाले क्या करते हैं, बैंक डिटेल अपनी डाल लेते हैं जब आप एग्ज़ाम दे के आएंगे, तो उनके खाते में 400 रुपये चले जाते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है, स्वयं का अपना बैंक डिटेल वगैरह डालना, और यही बात है। और आगे देख लेते हैं शुल्क के भुगतान के तरीके हैं, किस प्रकार से आप पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, अल्पसंख्यक वगैरह डिटेल वगैरह दी गई है, आय प्रमाण पत्र कैसा क्या है, अब देखिए। और देख लेते हैं फॉर्म को, आप लोग स्वयं देख सकते हैं, आरक्षण की चर्चा है, पूर्व सैनिकों के लिए छूट जो दी गई है वो बताया गया है, क्योंकि हमने देखा है एक एक्स सर्विसमैन थे एयरफोर्स के, वो ज्वाइन हुए थे JEE के पद के लिए, ठीक है, उनको भी देखा है। और ये आपका डिटेल है एग्ज़ाम के लिए, और थोड़ा सा और देख लेते हैं, ये देखिए आपका ये यहाँ से आपका प्रश्नों की संख्या वगैरह स्टार्ट हो जाती है, प्रश्नों की संख्या 100 होगी प्रथम चरण की CBT के लिए। ये थोड़ा सा आपको देखना है, आप मैथ्स वगैरह आएगा, मैथ्स में आपको पता है क्या क्या आएगा, मैं हर वीडियोज़ में आपको बताता हूँ, तो इस बार नहीं बताऊँगा, आप लोग अपने अनुसार देख लेंगे, ठीक है। रीजनिंग वगैरह की चर्चा है, ये आपका रीजनिंग है, ये सामान्य बुद्धिमता वगैरह दी गई है, आपका सामान्य चेतना और सामान्य विज्ञान वगैरह दिया गया है। और ये देखिए ये आपका मैथ्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे प्रत्येक अनुभाग में CBT 1 में, ठीक है। प्रश्नों की संख्या 30 है, अंक आपको 30 हैं, और ये रीजनिंग 25 है, 25 नंबर की है, सामान्य चेतना जो लिखा है 15 है, वो 15 नंबर की है। और ये आपका विज्ञान है जो साइंस का पोर्शन है वो 30 नंबर का है, 30 प्रश्न 30 नंबर के हैं। और ये आपका GK GS है जो सामान्य चेतना लिखा हुआ, 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, इस प्रकार से है। माइनस मार्किंग की भी इसमें वो किया गया है, और जो एक आपका CBT 2 है जो मेंस जिसे हम कहते हैं मेंस है, तो मेंस की चर्चा इसमें दी गई है, इसमें आपको टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे। और समय की अगर हम चर्चा करें तो समय आपको 120 मिनट मिलेगा, जबकि ऊपर वाले में आपको समय का जो समय सीमा है वो 90 मिनट मिलेगा। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और आपका यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको 120 मिनट में 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिसमें से तो आपको पता है कि जब द्वितीय चरण का एग्ज़ाम होता है जो मेंस होता है, तो मेंस में दो तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे हम लोग ने दिया है तो हम लोग को नॉलेज है, पार्ट ए बोलते हैं और एक पार्ट बी होता है। पार्ट बी क्वालिफाई नेचर का होता है, इसमें सिर्फ पासिंग मार्क्स आपको चाहिए, और पार्ट ए में मेरिट बनना चाहिए, तो पार्ट ए में मेरिट बनता है, तो आपको पार्ट ए में ज़्यादा प्रिपेयर रहना होगा। और पार्ट बी में ऐसा ही नहीं है कि सब लोग पास ही हो जाते, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पार्ट बी में भी आपको फोकस ज़रूर करना है, ठीक है। इस तरीके से ये दिया गया है, और तकनीकी क्षमताओं का ये सिलेबस दिया गया है। ये देखिए जो GK है, भौतिक वाला है, फिजिक्स वाला है, कंप्यूटर वाला है, और ये आपका एनवायरनमेंट पर्यावरण है, तकनीकी क्षमताएं वगैरह है। तो ये CBT 2 के लिए है, आपके 100 क्वेश्चन तो होंगे, जो आपका पार्ट बी का है, पार्ट बी का ये है 100 क्वेश्चन, और बाकी के जो 15-15 क्वेश्चन करके मिला के दिए गए हैं ये आपके उसको पार्ट ए के लिए गए हैं, ठीक है। इस प्रकार से दिया गया है, टोटल 150 क्वेश्चन है, तो आपको देखना है इस बार, अब तो मेरिट बननी है, उसी के आधार पे मेंस के आधार पे आपको 120 मिनट मिलेंगे, तो आप भर सकते हैं। अब देखिए आप इसमें क्या है कि आप जिस जिस डिपार्टमेंट से आपने डिप्लोमा या इंजीनियरिंग वगैरह की है उसके लिए आपका ये समूह बताया गया कि आप किस ग्रुप में आएंगे। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का किसी ने कोर्स किया है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का किया, तो वो मैकेनिकल
और सहायक इंजीनियरिंग के उसमें आएंगे, पद में आएंगे, तो वो उस हिसाब से भरेंगे। इलेक्ट्रिकल वाले हैं जो बिजली विभाग से संबंधित, तो वो इलेक्ट्रिकल वाले में जाएंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स और सहायक इंजीनियरिंग में आएंगे। इस प्रकार से ये दिया गया जेई वगैरह का ये दिया गया है, आप अपने अनुसार देख लेंगे। मैंने इसकी चर्चा पिछली प्रीवियस वीडियो में की है और कैसा क्या है। और ये देखिए नॉर्मलाइजेशन वगैरह का भी डिटेल वगैरह आपको बताया गया है कि नॉर्मलाइजेशन अगर एक से अधिक शिफ्ट होते हैं तो होता है। ये डीवी वगैरह की चर्चा है, आप डीवी वगैरह देख लेंगे किस प्रकार से आपका डीवी होना है, ठीक है। आवेदन कैसे करना है वो सब आप देख लीजिएगा, क्योंकि इस मंथ के लास्ट में आप लोग को पता चल जाएगा। और ये आपके जो जोन है, ये 21 जोन दिए गए हैं, अब आप देख लीजिए सीट कहाँ पे कितनी सीटें हैं, उस अनुसार आपको फिल करना है। तो थोड़ा अपना सीट देख लीजिएगा, प्रीवियस वीडियो में तो मैंने बताया है कि जो अपने हिसाब से देख के आप फिल कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं। और इसमें कुछ सर्टिफिकेट वगैरह भी है, सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है देखिए। अब ये जो जाति प्रमाण पत्र वगैरह है तो ये भी थोड़ा देख लीजिए, हिंदी वर्जन इंग्लिश वर्जन दोनों हैं आपके पास उपलब्ध हैं, आपको बनवाना पड़ेगा। ये डीवी के समय लगता है तो उसकी डिटेल वगैरह दे दिए गए हैं, तो चाहें तो आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, या जब एग्ज़ाम वगैरह देके आ जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे, तब निकाल के जल्दी डॉक्यूमेंट बना लीजिएगा, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, ठीक है। उस प्रकार से देख सकते हैं, ये सब नोटिफिकेशन का डिटेल है। आपको जो फॉर्म लेके जाना है डीवी वगैरह में, अपना जाति प्रमाण पत्र बनाना है वो है, और ये डिटेल वगैरह है कि किस अनुसार है, अनेक्सर नंबर अनेक्सर दिए हुए हैं। और ये आपके सीटों की चर्चा वगैरह, ये मेडिकल बताया गया है कि किस पोस्ट के लिए कौन सा मेडिकल लगेगा। ये देखिए रासायनिक पर्यवेक्षण अनुसंधान के लिए B1 होना चाहिए, धातु कर्म के लिए B1 होना चाहिए, तो ये सब दिया गया है। और इंजीनियरिंग वगैरह के लिए देखिए कुछ के लिए B1 है, देखिए ध्यान दीजिए कुछ के लिए B1 है, किसके लिए A3 है, B2 है, A3 है, इस प्रकार से दिया गया है। तो आपको थोड़ा सा इसको ध्यान देना है और समझना है, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। देखिए अब क्या है यहाँ पे, अब ये आपका प्रोफार्मा बी है, इसमें बता दिया गया है कहाँ पे कौन कौन सी कितनी सीटें खाली हैं। तो ये देखिए अहमदाबाद बोर्ड का बताया गया है, यहाँ पे आप अपने अनुसार देख लेंगे अहमदाबाद में कितनी सीटें खाली हैं, उस अनुसार भर सकते हैं। ये अजमेर वाले हैं जो अपने राजस्थान के हैं बालक, वो अपना अजमेर जोन डाल सकते हैं, क्योंकि उनको भी घर जाना ज़रूरी है, वो भी प्रयास करते हैं कि जल्द से जल्द ट्रांसफ़र हो जाए। बेंगलोर वगैरह के लिए भी देख लीजिए, साउथ के लिए वहाँ पे तो बहुत कम ही लोग जाने का प्रयास करते हैं, कट ऑफ कम जाए या इसके लिए। और ये आपका भोपाल के लिए है, RRB भोपाल के लिए है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पूरी डिटेल दी गई है, मैंने इसकी चर्चा कर दी है प्रीवियस ईयर की वीडियोस में। और जेई के लिए कौन कौन सा मतलब ब्रांच उसमें मांगा गया है उसकी डिटेल भी मैंने बहुत ही डीपली बताई गई है, वो वीडियो आधे घंटे की है, मैं एंड में उसको लगा दूंगा। तो आप लोगों को अगर देखना होगा समझना होगा तो उससे भी थोड़ा बहुत नॉलेज ले सकते हैं। और इसी तरीके की और भी जानकारी जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए, तब तक के लिए फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।